अरे क्या लेके जा रहा तू? गाइस वेलकम बैक टू माय व्लॉग चैनल। मैक्स को हम लोग पार्क में लेके आ चुके हैं, ठीक है। लाओ कैमरा लाओ और अभी ये ऐसे उतरेंगे, ठीक है। ये देखो, लाओ डंडा लाओ। ये देखो गाइस, आगे से पार्क बंद है तो हमने मैक्स को भी यहाँ से कूदवा दिया और हम भी यहाँ से कूद कूद के अंदर आ रहे हैं। चलो जी, वेलकम बैक टू माय व्लॉग चैनल। दोपहर के 2 बज चुके हैं, आज 2 बजे व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं और आज ये मम्मी के साथ में अपने घर जाने वाले हैं। तो आज से अगले 2 दिन के लिए मैं अकेला हो जाऊंगा। मैं सोच रहा हूँ कि व्लॉग ना करूँ 2 दिन, क्योंकि मेरे पास 5-6 व्लॉग हो। एक मिनट रुक जाओ यार, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ अगले 2 दिन व्लॉग ना करूँ, क्योंकि मेरे पास ना काफ़ी सारे व्लॉग्स हो गए हैं तो उनको एडिटिंग करनी है, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ मम्मी 2 दिन के लिए जा रही है, 2 दिन मैं सिर्फ एडिटिंग कर लूँ। कमेंट करके बताओ आप लोग क्या चाहते हो, ठीक है। ये देखना गाइस कितने अच्छे से खेल रहे हैं दोनों के दोनों। मैं लेके गया था इसको भगा के, अभी मेरे को भगा के लेता हुआ आ रहा है। चल इधर चल, जा जा मैक्स जा खेल ले। गाइस इनको देखो, ये टग ऑफ वॉर खेल रहे हैं आपस में और मैक्स ना यहाँ पे कॉलोनी में आके बहुत ही ज्यादा खुश हो गया भाई। आराम से। मैं सही बताऊँ ना, कॉलोनी में आके खुश हो जाता है। आगे आगे सर्दियां आ रही है ना, तो इसको दिन में ही लेके आया करूंगा। ये देखो गाइस, मैक्स यहाँ पे बैलेंसिंग कर रहा है आराम से। भाई इसको फेंकना दूर ही लेके आएगा, इसे दूर फेंक दो एक बार। मैक्स छोड़ दे। गाइस देख लो, ये खेलते खेलते थक गए और एंड में मैक्स जीत गया। मैक्स टायर ले गया उधर, पानी लेने चलते। पानी लेने भाई, तो फिर मैक्स का ध्यान कौन रखेगा? तू ऐसा कर, तू लिया मैं ही बैठा हूं। तो मैं लेके आऊं फिर? मर डेरी से लेके आना पड़ेगा। तुम यहीं पे हो? हाँ यहीं पे हूँ। चलो फिर ठीक है, मैं लेके आ रहा हूँ पानी। ओके, ध्यान रखना मैक्स का। गाइस वो आराम से पार्क में बैठे हुए हैं और मेरे को पैदल पैदल पानी लेने जाना पड़ रहा है और अभी तक ना मैं आधे रास्ते पे पहुंचा हूँ। अभी कॉलोनी के गेट से बाहर निकल के फिर लेफ्ट साइड पे जाना पड़ेगा। ऑलमोस्ट 200 मीटर दूर है मर डेरी हमारे घर से। ये देखो गाइस, यहाँ के फुटपाथ टूटे हुए हैं क्योंकि यहाँ पे नए फुटपाथ बनेंगे ना, इसीलिए अभी तोड़ रखा है सब कुछ। और वो देखो, वहाँ पे नए फुटपाथ बनने के लिए काम भी चल रहा है, फिर यहाँ पे बन जाएगा, बढ़िया एकदम व्यू आएगा देखने में। भाई एक पानी की बोतल दे देना यार। गाइस ये देखना, ये मैक्स कटोरा लेके ही चला गया। मैक्स रहने दे, गंदा है वो, छोड़ दे उसे, गंदा है वो, रहने दे। गाइस देखो, ये यहाँ पे ऐसे बैठ गया और ये इस कटोरे के चक्कर में बैठ गया। अब कटोरा मैं यहीं कहीं पे रखूंगा ना तो ये उठा लेगा, इसीलिए इस कटोरे को ठिकाने लगाना पड़ेगा। इस कटोरे को हम यहाँ पे ऐसे रख देते। ओए रुक जा, अब यहाँ पे तो ले जा नहीं पाएगा ये। मैक्स हो गया, सीज हो गया, अब नहीं मिलेगा तेरे को यहाँ पे, ये घुस ही नहीं सकता। आ जाओ भाई, मैक्स का पोपट हो गया। आजा मैक्स, आजा, इधर खेलेंगे, इधर आजा, टायर के साथ खेलेंगे। भाई टायर कहाँ रख दिया? टायर बोरा। आओ चलो टायर उठाते हैं। मैक्स आजा, आ इधर आ, ले आजा, आजा जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ, ले टायर के साथ खेलेंगे। आजा 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 आजा, ले ले पकड़ के ला। मैक्स इधर आ। क्या हो गया भाई? मेरे को लग रहा है इसका इंटरेस्ट खत्म हो गया टायर के साथ खेलने में। फेंक के देखूं। ले मैक्स, ले 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 ले। मुझे लगा था इंटरेस्ट खत्म हो गया, लेकिन नहीं हुआ। गाइज हम दोनों के दोनों यहाँ पे बैठे हुए हैं और मैक्स हमारा यहाँ पे बैठा हुआ है। हम तीनों के तीनों यहाँ पे बैठ के धूप सेक रहे हैं क्योंकि बिल्कुल सामने वो देखो ऊपर सूरज है और हमारे मुंह पे सीधी सीधी धूप पड़ रही है, तो सर्दियों के अंदर धूप सेकना भी जरूरी है। ये देखना गाइस, ये टायर ले लेके कैसे भाग रहा है आगे आगे। मैक्स दे इधर, दे दे, ये देखो गाइस, दे दे मैक्स टायर, दे दे ला, दे दे ला, छोड़ दे, ले लूं मैं, ले लूं। अच्छा गुस्सा कर रहा, चल खेल ले, कोई नहीं। शिवम भाई मैक्स गुस्सा कर रहा है, टायर दे नहीं रहा मुझे। ऐसे कैसे दे रहा, स्नैच करके आते हैं। चल जाओ तुम लेके आओ टायर। मैं कह रहा हूँ ना भाई, गुस्सा कर रहा है वो, देखो नहीं देगा तुम्हारे को भी नहीं देगा, उसको पसंद आ गया टायर, गुस्सा कर रहा है। ले लिया। अब वो तुम्हारे पीछे लगा रहेगा जब तक तुम उसे दोगे नहीं। दूंगा ही नहीं मैं। मैक्स रहन दे, छोड़ दे, टायर ही तो है, छोड़ दे, कोई नहीं। मैक्स चलो अब कल खेलने आएंगे, आओ चलो घर चलेंगे, आओ आजा घर चलेंगे। देख रहे हो गाइस, मेरी थोड़ी बहुत बातें मान जाता है ये। मम्मी क्या क्या लाना है मरे डेरी से है? मैं परवाह नहीं कर सकती। इधर देखो ना, इधर अब बोलो, अब व्लॉग बन रहा है ना, अब बोलो। अरे मैंने कहा तो था चावल का कट्टा, आटे का, वही चावल आटा और क्या, आलू, आटे की बोरी, और वो क्या बोलते हैं, आलू, आलू और रिफाइंड, ठीक है। जाऊं मैं लेने के लिए? मैक्स तुम बैठ जाओ आराम से, हम जा रहे हैं, ठीक है। भाई अब आए हो तो थोड़ा काम करवा दो, ये आलू यहाँ पे रखे हुए हैं, ये आलू छटवा दो थोड़े से। इधर आओ ना, अबे ये रही भाई टोकरी, ये रही, इसमें छाटने आलू सिर्फ, इसको यहाँ। भाई तुम सिर्फ पकड़ के खड़े रहोगे? चलो फिर मैं देखता हूँ, एक सेकंड, ये सही लग रहा है थोड़ा सा, चलो ये डाल, नहीं ये थोड़ा सही नहीं लग रहा है, यहाँ से खाया हुआ है भाई। वैसे इनके पास ना आलू की क्वालिटी ज्यादा अच्छी लग नहीं रही, बट कोई नहीं, चलो ये ले। नीचे से निकाल। नीचे से कहाँ से निकालूं, तुम निकालना एक बार ही देखना। चलो गाइस इनकी चॉइस अच्छी है, इन्हीं को निकालने देते हैं। भाई अगली बार से ना हमारे घर का सामान लेने के लिए आप आ जाना प्लीज, ठीक है। क्यों भाई, तुम्हारी चॉइस अच्छी है ना। ये देखो गाइस, इन्होंने कितने बढ़िया बढ़िया आलू निकाल दिए, मैं तो यहाँ पे ऐसे टूटे हुए और कटे हुए आलू निकाल रहा था, ऐसे वाले। भाई देख, आलू तो मैंने निकाल लिए हैं, ठीक है। अब तू मुझे बता क्या निकालना है बड़ा। भाई अब कुछ नहीं निकालना, अब सिर्फ चावल लेना है और क्या कहते हैं दाल वाल लेनी है, वो भैया दे देंगे हमारे को। ये सारी दाल है, इनमें से दाल नहीं चाहिए, सॉरी चावल चाहिए और रिफाइंड ऑयल चाहिए।
ऑयल तो ये सारे। हाँ ऑयल ले लो, रिफाइंड वाला निकाल लो, वोरा। हाँ ये वाला उठा लो, बस एक पन्नी ये और एक चावल का कट्टा कहाँ गया, ये रहा बासमती वाला, ये ले लेंगे। गाइस देखो, दिखाया हमने आपको ये बासमती वाला कट्टा था, लेकिन हम ले ये वाला रहे 350 वाला, क्योंकि बासमती वाला हमारे घर पे है, इसीलिए हम ये वाला लेके जा रहे हैं। अब क्या हो गया मम्मी, आटा नहीं लाए हम? ओ भाई शिट हो गया ये तो यार। मैं तो आराम से आके यहाँ पे लेट गया, मैंने कहा चलो व्लॉग देख लेता हूँ अभी तक क्या क्या बनाया है। अब ये कह रही है आटा लेके आओ। भाई जाओ शिव भाई लेके आना जरा। मैं लेके आओ? हाँ भाई तुम ले आओ ना यार। भाई मेरे को जानती नहीं वो आंटी। अभी तो तुम गए हो मेरे साथ, जान गई ना वो तुम्हें दे देंगी, उनको बोल देना टारजन ने बोला हिसाब में लिख लो। चलो मैं भी चलूं? जाओ जाओ। नहीं तुम भी चलोगे फिर? मैं नहीं जा रहा भाई, चलना पड़ेगा। मैं रेस्ट करने के मूड में आ गया भाई। भाई ये गलत भाई, अब देखो मैं अकेले नहीं जा रहा, फिर मैं साथ चलो। 4 बज रहे हैं, रोटी खाने का वक्त हो गया। अब मेरे को अबे चलो ना फिर, आती बार छोले कुलचे भी ले आएंगे, आती बार छोले कुलचे भी ले आएंगे। घर में रोटी किस लिए बन रही है फिर? रोटी बाद में खा लेना ना, चलो छोले कुलचे। छोले कुलचे होंगे फिर रोटी खाऊंगा। मेरे को लग रहा है अकेले ही जाना पड़ेगा यार, इतनी देर बाद आके आराम से लेटा था मैं। चलो यार तुम भी, सॉरी प्लीज। नहीं मान रहे फिर? नहीं ठीक है भाई, कोई नहीं अकेले चलते हैं भाई, आज से इनकी मेरी दोस्ती खत्म। ठीक है भाई, आज के बाद मेरे व्लॉग में बताना तुम। दोस्ती कब? दोस्ती आज के बाद मेरे व्लॉग में बताना, ठीक है? दोस्ती थी कब? नहीं मैं कह रहा हूँ आज के बाद मेरे व्लॉग में बताना। ठीक है भाई, मैं कौन सा बुला रहा हूँ, तू ही जबरदस्ती चिपटता कर रहा है मेरे को। नहीं अभी तू ही बोल रहा है चलो। नहीं आज के बाद फिर आना मत मेरे व्लॉग में। नहीं मैं आना ही नहीं। चल ये कौन कह रहा है कि आज घर ही वापस जा रहे हैं इसलिए आएंगे ही नहीं। ठीक है भाई, ठीक है आज तुम घर जा रहे हो तो आज के बाद आना मत मेरे व्लॉग में, ठीक है? नहीं आ रहा। चलो गाइस अकेले ही चलते हैं आटा लेने के लिए। गाइस इनको देखो, ये मेरे पैरों में गिर गए थे, कह रहे मेरे को मरी डेरी लीजिए, मेरे को घुमा ला थोड़ा बहुत। मैं कब पड़ गए थे भाई? पड़ गए थे। चलो गाइस चलो मरी डेरी चलते हैं। भाई पड़ गए थे मेरे पीछे पड़ गए थे ये। चलो गाइस चलो मरी डेरी चलते हैं। भाई आटा पैक कर दो फटाफट। भाई आटा पैक नहीं होता, आपको ऐसे ही लेके जाना पड़ेगा, मैं हिसाब में चढ़ा देता हूँ, ठीक है? ये लो भाई बिल बन गया है, अब आपके घर पे पहुंच जाएगा बिल, आप घर पे जाओ। और ये लो साथ में 2 बबल गम फ्री मिलती है हमारे यहाँ पे। चलो ये आटा उठाओ, ये लो बूमर है, कोई नहीं बूमर खा लो, ये लो आटा उठाओ और घर जाओ। गाइस आटा तो ले लिया है, अब स्ट्रगल चल रहा है नमक लेने के लिए। अब यहाँ से नमक लेते हैं आगे से। यहाँ पे एक गाड़ी अड़ी हुई है, एक सेकंड रुको, वेट करना पड़ेगा इसके आगे निकलने का। और ये देखना इनको आटा इन्होंने मेरे ऊपर कैसे रखा हुआ है। भाई पीछे पकड़ लो इसको यार, कोई स्नैच कर लेगा। भाई आटा भी स्नैच हो जाता है क्या? फोन हो जाते हैं भाई, मेरा फोन तो स्नैच हो जाता है जैसे मेरा हुआ था। चलो कोई नहीं, ऐसे ही रख लो। यहाँ से नमक लेते हैं गाइस। एक नमक दे देना 20 वाला 30 वाला, जितने मर्जी वाला हो दे दो यार बस। गाइस मेरे घर में नमक आ चुका है गाइस। रो मत बच्चे, रो मत, होता है भाई। इस नमक की कीमत तुम क्या जानो भाई, 28 रूपए भाई, 28 रूपए। 28 रूपए है क्या? चलो ठीक है मम्मी, फाइनली हमारे घर में नमक आ चुका है, मेरे को नमक अजवाइन के पराठे खिला दो। नहीं मैं स्कूल जाता था तो मैं स्कूल जाता था ना तो मेरी मम्मी मेरे को नमक अजवाइन के पराठे देती थी, मेरे को बहुत पसंद थे, मेरे को आप फिर से एक बना के दे दो। अच्छा मेरे को नहीं तो इनको दे दो। है ऐसा है, पूरे नमक अजवाइन के इतना खाया, जब तेरी हालत हो रही है हेल्दी। मेरी थोड़ा सा मोटा ही तो हो गया, और क्या हो गया है, थोड़ा सा मोटा ही तो हुआ हूँ, थोड़ा और खिला दो। मेरे को नहीं तो आंखों से आंसू आ गए एक्टिंग करते करते। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है गाइस, मैं अपने घर जाने वाला हूँ एक हफ्ते बाद। मेरे को दिल से बहुत खुशी हो रही है, मुझे उसकी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। मैं बस मैक्स को मिस करूंगा एक बार को, उफा जी वगैरह को मिस करूंगा, मगर कम से कम इससे छुटकारा मिल जाएगा मुझे। मुझे उसकी शक्ल, इसकी स्कूटी, इन सबसे छुटकारा मिल जाएगा। और गाइस मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ कि हमारे घर से जा रहे हैं, तो मैं भी यहाँ पे एकदम आराम से पूरा फैल के सोऊंगा, इनसे ज्यादा खुश मैं हूँ, ठीक है? मेरे घर में आके बैठे हुए थे ना तो मेरे को मतलब अजीब सी फीलिंग आ रही थी, लेकिन अब मैं फ्री हूँ और मम्मी भी जा रही है ना, तो फिर तो मैं और भी ज्यादा खुश हूँ। पूरी आजादी, 3 दिन पूरी आजादी है गाइस। ये लॉकर देखने में एकदम नॉर्मल लग रहा होगा ना, लेकिन अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये देखो, ये इसके नीचे एक सीक्रेट लॉकर है, इसकी चाबी खो रखी है और वो चाबी मम्मी ढूंढ रही है। एंड गाइस आज फाइनली ये अलमारी रेनोवेट होने के लिए जा रही है। ये देखो, ये जितनी भी टूट फूट हो रखी है ना इसके अंदर, फाइनली रेनोवेट होके पूरी रीपेंट होके आ जाएगी। और जैसी वो अलमारी है ना, सेम ऐसी एक और अलमारी हमने ऑर्डर कर दी है, 3 से 4 दिन में सेम ऐसी एक और अलमारी भी बन के आ जाएगी और ये भी रेनोवेट होके आ जाएगी। फाइनली गाइस अलमारी जा रही है रेनोवेट होने के लिए। और मेननेस के नीचे के जो पाए हैं ना, ये देख सकते हो आप लोग, ये खराब हो चुके हैं, लेकिन अलमारी काफी हैवी है। रुको मैं भी उठवाता हूँ। एक अलमारी के लिए 3-3 लोगों को लगना पड़ रहा है। नीचे से हालत देखो गाइस क्या हो चुकी है इसकी। अब ये 2 से 3 दिन के अंदर ना बिल्कुल सही होके आ जाएगी। भाई मैं कह रहा हूँ अलमारी तो चली गई, तुम कब जाओगे?
भाई बहुत जल्दी है मेरे को, भाई जल्दी जाओ, जल्दी है ना तो हाँ जल्दी जाओ। मैं वेट कर रहा हूँ इन लोगों के जाने का। अलमारी तो चली गई, अब जल्दी से ये लोग भी चले जाएं। और ये देखो गाइस हमारा कमरा कितना ज्यादा खाली हो चुका है, अब 2 से 3 दिन के अंदर नई अलमारी भी आ जाएगी, ये वाली रेनोवेट होके भी आ जाएगी। फाइनली गाइस इनके जाने की बारी आ चुकी है और बाहर ऑटो आ चुका है। ये देखो मम्मी अभी तक काम कर रही है, मम्मी बस जल्दी चलो, जल्दी जल्दी जाओ जल्दी, ऑटो वाले भैया वेट कर रहे हैं तुम्हारा। शिवम भाई सामान रख दो ऑटो के अंदर, मजा आ गया मजा आ गया। चलो भाई चलो, उस तरफ से रखना पड़ेगा शायद। अच्छा यहीं से रख देंगे, इसका लॉक कहाँ है, लॉक कहाँ है भैया? अच्छा ये एक सेकंड, लो ये हो जाएगा भैया पीछे, एक सेकंड इसको पीछे करना जरा, हो गया, लाओ जी लाओ, रखो बीच में, रखो कहाँ रखो, पीछे रखो, एक सेकंड, ये लो भाई, अभी मैंने ना ये ऊपर ही रख दिया, तुम एडजस्ट कर लेना ठीक है। चलो मम्मी जाओ ना फिर, हैं जल्दी जाओ जल्दी, एक मिनट लाइट ऑन कर दो यार, लाइट तो चाहिए हमारे को, वीडियो बना रहे हैं हम, लाइट चाहिए हमारे को। शिवम भाई इधर इधर इधर, चलो ठीक है ओके, दुआ करते हैं फिर कभी मत मिलना मेरे को, चलो बाय। चलो ठीक है मम्मी पहुंच के फोन कर देना और आराम से आना, छुट्टियां बना के, कोई जल्दीबाजी नहीं है, 2-3 हफ्ते बाद भी आओगी ना चलेगा। ओके ब्रो बाय, हाथ नहीं मिलाना, ओके फिर कभी मत मिलना ठीक है, चलो बाय। बहुत दिन बोर कर दिया उन्होंने हमारे घर में और अब ये जा चुके हैं। इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दो।